प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिरावीर्मेधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति 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 सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 न सांपराय प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैति मानि पुनर्पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः
आश्चर्यो वक्ता कुशलो लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ननरेणावरेण प्रोक्तयेष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गति यत्र नास्ति अणीयान् हि तर्क्यं मनो प्रमाणा नैषा तर्केण मतिरापनीया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमापश्यत्यधृतिर्बतासि त्वां दृङ्नो नचिकेत पृष्टा जानाम्यहगं शिव धीरित्य नित्यं नहि ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसाक्षीः कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः त्वन्तु कामस्याप्तिं समाप्तिं अत्र हि सर्वे कामाः परिसमाप्ताः जगत स अध्यात्म अधिभूत अधिदैवा देहे
प्रतिष्ठम आश्रयम्, प्रतिष्ठाम आश्रयम् सर्वात्मकत्वान् क्रतोः फलं हिरण्यगर्भं पदं अनन्त्यं आनन्त्यम्। अभयस्य च पारम्परां निष्ठां स्तोमं स्तुत्यम्। महदणिमा ऐश्वर्यादि अनेकगुणसंघतम् महद अणिमा आदि ऐश्वर्य आदिम अनेक गुण संघतम्। स्तोमं च तन्मह च निरतिशयत्वात्, निरतिशयत्वात् तोम महत उरुगायम् विस्तीर्ण गतिम् प्रतिष्ठाम् स्थितिम् आत्मनो अनुत्तमामपि दृष्ट्वा धैर्येण धीरः धीमान् सन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षी परमेव आकांक्षन् अतिसृष्टवानसि सर्वमेतत् संसारभोगजातम् अहोबद अनुत्तमां गतम् अणोऽसि। अहोबद अनुत्तम गुणोऽसि। आचार्य के वात्सल्य को प्राप्त करने के बाद आचार्य उसकी धैर्य की, उसकी विवेक की प्रशंसा करते हैं और इस 11वें श्लोक में श्रुति बताती है कि हे नचिकेता, हे भाग्यवान नचिकेता, हे बत नतिकेचा, तुमको ये पता है कि तुमने इस विवेक के कारण क्या क्या चीज़ें छोड़ दी, तुम पीछे क्या छोड़ के आ रहे हो ये तुमको भान भी है क्या। और ये 11वां मंत्र इसके लिए बोलते हैं, जरा देखिए क्या है। कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम, हे नचिकेता तुमको पता है तुमने क्या छोड़ा। बोले नहीं जी हमें नहीं पता। तुमने जीवत्व के रहते हुए जो उपलब्धियों का शिखर था वह शिखर का त्याग कर दिया। देखो ये पहली ही दो लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण की है, ध्यान से देखिएगा। जीवत्व के रहते हुए जो उपलब्धि का शिखर था, जहां अचीवमेंट्स का पहाड़ था, वो अचीवमेंट्स के पहाड़ को तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। या ऐसा कह सकते हैं हम, जीव रहते हुए एक जीव की जो सर्वोत्कृष्टतम कमाई हो सकती है, जीव रहते हुए जो उसकी सर्वोत्कृष्टतम उपलब्धि हो सकती है
अचीवमेंट्स, हे नचिकेता तुमने उस उपलब्धि को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया, तुमको इसका भान है क्या? बोले महाराज ये बात आपकी समझ में नहीं है, ये देखो आप इसको ऐसा समझें कि मान लीजिए कि कोई शिखर को समझाने के लिए कह रहा हूं, थोड़ा कम कर, एक पद है मान लीजिए आईएएस प्रशासनिक ऑफिसर, तो उसका जो एक मैक्सिमम शिखर हो सकता है वो क्या हो सकता है? मतलब वो व्यक्ति वहां से ज्यादा अब नहीं जा सकता, इसको बोलते निरतिशय। जीव रहते हुए, या जीव चलो भी दृष्टांत दे रहा हूं, एक प्रशासनिक ऑफिसर रहते हुए व्यक्ति जीवन में उस पद से ज्यादा नहीं प्राप्त कर सकता, वह पद भी जीवन में सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाते, बिरले होते हैं जो करते हैं। तो मैंने जैसे दृष्टांत दे रहा हूं आपको एक आईएएस का, तो उसके आईएएस का जो उच्चतम शिखर है वो क्या हो सकता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, है ना? इससे बढ़िया और क्या जाएगा? इससे ऊपर नहीं जा सकता वो, और वो भी सभी लोग। तो आप क्या कह सकते हैं कि उसके आईएएस रहते हुए जो उसका उच्चतम शिखर है वो क्या है? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, इसको और सब जगह ले लें, एक इंजीनियर हो गए, वो बाप देखना, वो इंजीनियर रहते हुए उच्चतम शिखर क्या हो सकता है? सोचना, हर इंजीनियर ये चाहता है कि मैं इस विद्या की उच्चतम शिखर पर क्या हो जाऊं, पहुंच जाऊं। इंजीनियर छोटे मोटे तो छोड़ दो आप भाई, अब वो पॉलिटेक्निक किया हुआ व्यक्ति की वो हाइट नहीं हो सकती, सीधी सी है, वो जिसने इंजीनियरिंग बढ़िया से की है वो हाइट पकड़ता है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? अब सोचो, सबका हो सकता है। अब आप जानो ये चीज और बढ़ा लो आगे, ऐसे एक वकील भी क्या सोचता होगा कि मैं जिस प्रोफेशन में हूं उस प्रोफेशन का एक मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट मुझे अचीव करना है, और लोग करते हैं। एक डॉक्टर के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, उसी विधा में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, उनमें से कोई एक ऐसा चिकित्सक है जो मैक्सिमम हाइट को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। अभी तो हम इतना ज्ञान है नहीं कि क्या क्या बता दें आपको, लेकिन जितना मुझे पता है उतना बता सकता हूं। राजनीति का मैक्सिमम हाइट दो ही हो सकता है, किसी देश में प्रधानमंत्री है, किसी देश में राष्ट्रपति है। मतलब एक पॉलिटिशियन इससे मैक्सिमम हाइट और क्या हो सकती है? ये मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं ये चीज समझ में आने के लिए। ये समझ में आता है आपको कि एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के मैक्सिमम हाइट को यदि वो अचीव कर लेता है तो वह जो उसकी विद्या थी वो बोलता है कि अब फलीभूत हो गई, अब इससे ज़्यादा ये विद्या मुझे और कुछ दे नहीं सकती, जो दे सकती थी वो मैक्सिमम दे चुकी। मैं विद्या की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जीवत्व भाव की बात कह रहा हूं। ये तो आपको दृष्टांत दिया मैंने समझाने के लिए। जीवत्व भाव मतलब हम और आप, जीवत्व भाव मतलब क्या हुआ? जो ज्ञानी नहीं है, नहीं है, नहीं है, अज्ञानी है, अपने आप की सत्ता को व्यापक नहीं समझता है, अपने आप को अंतःकरण से सदैव युक्त ही पाता है, बिना अंतःकरण के स्वयं का अस्तित्व है यह भी उसको समझ में नहीं आता,
अपनी सत्ता को परिच्छिन्न मानता है, अपने शरीर के जन्म को मृत्यु को सच मानता है, या एक शब्दों में कहें व्यावहारिक सत्ता से चित्त उसका ओतप्रोत रंगा हुआ है, पारमार्थिक रंग तो उसके चित्त में लग ही नहीं पाया। ये किसका वर्णन है? ये जीव। ये मैं इसलिए सब बोल रहा हूं, आपको अपना लगना चाहिए हमारी स्थिति कहां है। तो एक बात तो पक्की है कि हम सब जिस कैटेगरी और कोटि में आते हैं वो सब क्या हैं? वो हैं जीव। इस जीव में रहते हुए जीवत्व भाव, देखो जी, इसकी जीवत्व भाव की मैक्सिमम अचीवमेंट, उच्चतम शिखर क्या हो सकता है? अरे नहीं जी, क्या बाबू, जीवत्व रहते हुए शिवोहम करोगे आप? देखो अब आपने शब्द एडिट करना स्टार्ट किया। जीवत्व रहते हुए जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था मतलब क्या, जीवत्व था तब हरि नहीं, तो शिवत्व नहीं हो सकता। और जब हरि है तो मैं नहीं, या तो जीवत्व रहेगा या तो शिवत्व रहेगा, दोनों ये नहीं कह सकते कि जीवत्व भी हो गए और शिवत्व भी, ये नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्न को ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है। जीवत्व रहते, इसलिए भाई इससे सरल शब्द और क्या बोल सकता हूं, अज्ञानी रहते हुए, चलो जी हाँ? क्या ये तो बहुत व्यावहारिक चिंतन हो गया, बहुत सुपरफिशियल लेवल हो गया आपके। आध्यात्मिक हाइट क्या होगी ना? गुड, वैराज भाव की प्राप्ति होना। वैराज ये जो आप कह रहे हैं, विराट भाव की प्राप्ति ही सबसे बड़ी साधना का फल है, जीवत्व भाव में रहते हुए। इस पर हमारी आपकी बड़ी चर्चा हुई है पहले। जीव रहते हुए इससे बड़ा कोई साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता, यदि विराट भाव की क्या हो जावे, प्राप्ति हो जावे। और सब ये इस पर भी चर्चा हुई कि विराट भाव मतलब क्या है, सारा जो खेल है, सारा खेल वो आपके अभिमान का है। विराट मतलब क्या, विराट के पद को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? देखो तो अगर आपने साधना में समझाओगे तो आप पकड़ लोगे, वरना आप शून्य रह जाओगे। विराट भाव के पद को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? जो विराट है वह मुझसे अतिरिक्त नहीं है, मैं ही विराट हूं। बना ये पूरा जो, चलो समझाने के लिए कह रहा हूं, जो राष्ट्र है वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है, वो राष्ट्र मेरा है। हाँ, और मेरा इस राष्ट्र से अभिमान है, अभिमान मतलब घमंड नहीं है, तादात्म्य। भाई हमारी आपकी योजना राष्ट्रीय योजना नहीं कहलाती, उसकी योजना अगर बनती है वो व्यक्ति की योजना, लेकिन अब उसको व्यक्ति की योजना नहीं कहते, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय योजना। ले देखो क्या बात है, उसकी जो सोच होगी, अब उसकी सोच को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय सोच है। उसके चिंतन को क्या कहोगे आप? ये राष्ट्रीय चिंतन है। अच्छा आपका चिंतन तो आप कह सकते हैं, ये भी नहीं सकते कि आपके घर का चिंतन है, आपके सामने उठ के आपकी बात को कहेगा कि नहीं मैं इसको नहीं मानता,
घर में ही अपने देख लो, आप कह सकते हो क्या? घर में भी जो चार लोग हैं वो भी चार लोग आपको अपना समझने वाले ले। घर में गिने चुने तीन प्राणी चार प्राणी, उनके सबके विभिन्न विभिन्न मुख, तो अपनी स्थिति तो ये है आपकी। और उसकी योजना, उसका चिंतन, उसका उसका वार्तालाप, उसकी की गई एक भी टिप्पणी, उसकी की गई एक टिप्पणी भी कैसी टिप्पणी हो गई? राष्ट्रीय टिप्पणी हो गई। हो मतलब इस व्यक्ति ने ये फुल स्टॉप और स्टॉप यहाँ क्यों लगाया, इस पर हंगामा मच जाता है देश में। तो आप समझ सकते हो कैसा पद होगा, कितना सेंसिटिव पद होगा, और क्या उसके पास शक्ति होती होगी पूरे राष्ट्र की। तो अब वो छोटे लेवल पर जितना कर सको आप अभिमान, वो अभिमान करके देख लो आप। अब छोटे लेवल पर अभिमान ये है कि यदि परिवार वाले आपको मानते हों तो फिर तो बड़ी बात है, फिर थोड़ा सा आप इसका अनुभव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उपासना नहीं है। देखो आप, तो आप सोचो, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, जीव रहते हुए जीवत तो भाव रहते हुए ज्ञानी नहीं है, स्पष्ट बात, लेकिन जीवत्व रहते हुए उसकी जो मैक्सिमम हाइट है स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉट एक्सटर्नल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो है हिरण्यगर्भ पद विराट भाव की प्राप्ति। मेरे ख्याल में मैं आपको स्पष्ट कर पा रहा हूं, विराट भाव का मतलब हुआ उस जगत से इतना तादात्म्य होना कि जगत में हो रही जो तकलीफ है वो मेरी तकलीफ है। जगत में मिल रही एक जगह उपलब्धि भी किसकी उपलब्धि है? मेरी उपलब्धि है। इसलिए इसको समझने के लिए मैंने आपसे कहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझ लीजिए, राष्ट्र के किसी कोने में आई हुई बाढ़ में मरे हुए व्यक्ति की संवेदना, तो प्रधानमंत्री लगता है कि यस ये नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति मरा हुए, उसका तादात्म्य कैसा है? आप अपने आप को देखो, अच्छा ना, वो व्यक्ति जब पद पे पहुंचता होगा तो ऐसे ही पहुंचा होगा क्या? अच्छा, कितने लोग मर गए होंगे, आपकी कितनी भी बाढ़ में संवेदनाएं होंगी, मतलब आंखें कितनी बार बंद हुई होंगी, मतलब होगा, होता ही रहता है, नेचुरल क्लाइमेट। लेकिन वो व्यक्ति उसके बारे में सोचता है कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इतना राष्ट्र पड़ा है तुम उसके बारे में सोच रहे हो? यही बिंदु है जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बनता है। एक एक कोने में व्यक्तियों से क्या करना, तादाद, पर्सनल नहीं, सार्वभौमिक रूप से कि इनकी जो तकलीफ होगी वो किसकी तकलीफ है, मैं। और राष्ट्र में किसी खेल में मिला गया मेडल उस व्यक्ति का मेडल है वो समझता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या समझता है, ये मेरा मेडल है, ले। ये हम लोगों में कहाँ ये आ सकती है अभी, हम तो प्रांत में ही विभाग हो जाते हैं, ये तो मध्य प्रदेश वाला नहीं जीता, ये तो ये वाला जीता, हम तो वहीं पे ही कट गए। स्पष्ट होता है ना, इसलिए इसको जरा समझिए कि ये विराट भाव क्या है। अच्छा, तो इसके जो बीज में बस एक ही बिंदु है वो समझना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा का जो सारा खेल है वो सब का सब अभिमान का है। अभिमान मतलब तादात्म्य, अभिमान मतलब घमंड मत लेना, ईगो नहीं लेना, सारा का सारा खेल तादात्म्य का है। तादात्म्य का मतलब हुआ उसका दुख मेरा दुख, उसकी सत्ता मेरी सत्ता, ये कितने तक आपका घेरा जाता है, जितना घेरा है आपका बड़ा उतना तादाद में है आपका। स्पष्ट हो गया ये विराट भाव के लिए? अच्छा, जैसे कि हम लोग आज के दिन में जैसे कहें, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे वो विराट आत्मा है,
ठीक है, उसका नाम क्या है? विराडार। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम है देहात्मा। जीव थोड़ा फिलोसॉफिकल पड़ जा रहा है, आपको और करीब ले जा रहा हूं आपके अनुभव के। आपका नाम है देहात्मा। अब जरा कंपेयर करना, देहात्मा विराट आत्मा। तो देहात्मा आप अपना अनुभव बता दो, अच्छा क्या है? इस देह की, पड़ोसी की देह की नहीं, पड़ोसी की देह की नहीं, घर में दूसरे व्यक्ति की देह की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे देह की। मेरे देह में होने वाला दुख, मेरे देह में होने वाला सुख, तो मेरा जो तादात्म्य है वो किस में है? देह में। इसलिए मेरा नाम क्या पड़ गया? देहात्मा। अच्छा, ये देह पूरी विश्व होवे तो, भारत नहीं कह रहा हूं मैं, ये देह जैसे आपका देह से है, वैसे ही मान लीजिए किसी का तादात्म्य इस पूरे जगत से होवे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? विश्वात्मा। अपने को अब तुलना कर लो, देहात्मा। अच्छा चलो और देख लो, ये क्यों पहुंचा? ये देहात्मा बन गया, ये प्रधानमंत्री बन गया, ये देवता बन गया, ये ब्रह्मा बन गए, ये मरीची बन गए, ये सनकादि बन गए, ये क्यों इसमें वेरिएशन दिख रहा है इतना? सबका तादात में जितना है उतना उसको दिया गया, जितना उसका तादात में था उसको उतना हिस्सा क्या किया गया? इसको और साधना के तौर पे ले लें। एक तो ये जो पद मिलता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है आपके कर्म, आपके किए गए, मतलब किसके लिए कितना और क्या किया, यही व्यक्ति के तादात्म्य को बड़ा बनाएगा। भाई अपने देह के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने मोहल्ले के लिए किया, अपने देश के लिए किया, ये अपने, ये देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैलाओ। तो आप तो अब अपना सोच लो कि आपने क्या किया। अच्छा, जितना किया है उसी के अनुसार शक्ति, उसी के अनुसार ज्ञान, वो सब आपको समष्टि देगी। बोले हमारी तो बात ही नहीं सुनता कोई, इसका मतलब है कि आपका तादाद में ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमारे पास शक्ति ही नहीं है। शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो भाव है बहुत कम लोगों के बीच में, जिसका जितना बड़ा हो जाए। तो एक तो इसका बहुत बड़ा कारण दिखता है कि आपके किए गए कर्म। दूसरी दिखती है जो आध्यात्मिकता की ओर जब मैं बढ़ता हूं, तो इसका दूसरा एक घटक दिखता है उपासना। उपासना, वह उपासना का स्वरूप क्या है आपके? ये जो उपासना है, भाई देखो आपके यहां जो उपासना कही गई वो प्रार्थना में ये नहीं कहा गया कि मैं स्वस्थ रहूं, सर्वे संतु ने, ये जो सर्वे शब्द ही बताता है कि इस उपासक का तादात्म्य किससे है? सर्व से है। मैं ही नहीं रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, मेरे आने वाले सुखी रहें, मेरे जाने वाले सुखी रहे। देखो तादात्म्य क्या होता गया, बढ़ता है। और बढ़ा लो, जिसको मैं जानता हूं वो भी सुखी रहे, और जिसको मैं नहीं जानता हूं, ओ क्या बात है, बढ़ गया दायरा, बढ़ गया। यह है उपासना। व्यक्ति के पास जो शक्ति है वो उसकी उपासना का परिणाम है। व्यक्ति के पास जो शक्ति है वो उसके किए गए कर्मों का परिणाम है।
व्यक्ति के पास जो शक्ति है वो उसके स्वभाव का कारण है। उसका जैसा स्वभाव था वो समष्टि ने उसको वैसी ही शक्ति क्या कर दी, प्रदान कर दी। स्वभाव मतलब सबका अलग अलग है। कौवे का स्वभाव है, कुत्ते का स्वभाव है, शगाल का स्वभाव है, बगुले का स्वभाव है, सबका अपना अपना। देखो कुछ तो स्वभाव है, उसके कारण ही व्यक्ति आपको उतनी चीजें समष्टि क्या करती है, देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिसने तादात में राष्ट्र से कर लिया, ओहो तो राष्ट्रपति बन गया। अच्छा अब और देखो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब यह जो जीव रहते हुए जो उसका तादात में है वह पूरे ब्रह्मांड से है। देखो जी ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांडाभिमानी। देखो तादात में कितना बढ़ सकता है। ना ना अभी भी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का तादात्म्य किससे? पूरी सृष्टि से। लेकिन ब्रह्मा जी ज्ञानी नहीं, पकड़ में आ रहा है? ये मत कह देना, क्योंकि सृष्टि के समाप्त होने पर इनसे ये पद क्या लिया जाएगा? क्यों लिया गया पद वापस आपसे? क्योंकि आपके कर्म इतने ही दिन के लिए थे। तो सृष्टि समाप्त हो गई, ठीक है, दूसरी सृष्टि हुई, अब फिर बना दो हमको, 5 साल बाद फिर सरकार बनेगी, फिर हमको बना दो, तो आप फिर बनाएंगे उसको? बोले ना ना, आपका जो टेन्योर था वो इतना क्या हो गया? यदि आपके कर्म ऐसे होंगे तो फिर दोबारा फिर से। ब्रह्मांडाभिमानी व्यक्ति भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि हालांकि ये पक्ष यहां उठाने का नहीं है, इसलिए मैं इधर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं तादात्म्य की सीमा दिखाना चाहता हूं कि विश्वाभिमानी ब्रह्मांड ये सब एक ही हैं। विश्वाभिमानी ब्रह्मांडाभिमानी विराडाभिमानी, और इसी को कहा गया हिरण्यगर्भ। जो सूक्ष्म है, जो स्थूल है वो ईश्वर है, और जो सूक्ष्म है वो कौन है? उसे हिरण्यगर्भ। नहीं, जीवत और बड़ा हो गया। अभी आप अपने परिवार से जुड़े हो, वो बोलता है पूरा समष्टि ही मेरा क्या है, परिवार। लेकिन मैं इसीलिए बार बार चिल्ला रहा था अभी भी, मैं व्यापक हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मैं त्रिविध परिच्छेद शून्य हूं, ये ज्ञान इसको भी पाप नहीं लगना चाहिए। इसीलिए कई बार लोग ब्रह्मा जी को बड़ी इज्जत की निगाह से, अब वो आज मतलब समझना, आज मतलब क्या कहा जा रहा है, आज वो है कि वो योनिज नहीं है। योनिज नहीं है उसका मतलब ये थोड़ी नहीं को पैदा ही नहीं हुए। नारद जी पर बात फिर समझना जरा इन सब चीजों को, तात्पर्यों को, कि शास्त्र क्या कहना चाहता है। यही नहीं सृष्टि, ये जो आपके मरीची हैं, जब प्रवृत्ति मार्ग से बहुत ज्यादा आपका अटैचमेंट है और सृष्टि से है, तो वही आगे जन्म में मरीची बनता है। यही सनक सनातन भी बनते हैं, ध्यान रखना। सनक सनातन जो आप पढ़ रहे हैं ये भी पद है। इसमें जो निवृत्ति मार्ग का अभिमानी है, निवृत्ति, वो कौन बन गया? सनक सनकादि बन गया। बन गया कि नहीं? ये समझना चाहिए। इन्हीं में से कोई एक यमराज बनता है, इन्हीं में से कोई देवता बनता है। ले किन में से? ये जीव में। आप इसको ऐसा ले लो, हम में से कोई, हम ही लोगों में जितने बैठे मान लो, इनमें से कोई यमराज बनेगा, मान ले
इनमें से कोई ब्रह्मा बनेगा, इनमें से कोई देवता कोई बने, जो बनना हो, जिसको जो अच्छा लगता हो, ठीक है। लेकिन ये बनेगा कौन? अच्छा, कोई बाहर से थोड़ी ना कोई आएगी लौट, हमारे और आप में से ही इन्हीं में से कोई कुत्ता और सुअर भी बनेंगे, और इन्हीं में से कोई फिर पुरुष और स्त्री भी, इन्हीं में से फिर कोई साधक भी बनेगा। देखो हैं कौन? इतने ही लोग। क्यों बनेंगे? जैसा आपका तादाद में, जैसा आपका स्वभाव, जैसी आपकी उपासना, जैसी आपकी सोच, वैसा पद भगवान दे देंगे। लेकिन एक बात है, ये तादाद में शून्य नहीं है, तादाद में अभिमानी व्यक्ति है, छोटा तादाद में नहीं है। कैसा तादाद में? बड़ा तादाद में। अच्छा भाई, तो देखो हर कर्म का जो फल है वो तादाद में। क्या शब्द कहा जा रहा है? हर कर्म का जो एक फल मिलता है वो एक तादाद में ही है। बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई। जैसे कि अच्छा, ये बात स्वामी जी ने बहुत सुंदर से समझाई। एक व्यक्ति ने वो सब मेडिकल परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया और उसने MBBS किया, उसने MD किया, उसने DM किया। अब उस कर्म ने उसको क्या दिया? अब क्या तादाद में दिया? मैं चिकित्सक हूं, ये क्या है? एक दृष्टि से देखिए तो फल है, और एक दृष्टि से देखिए तो ये क्या है? तादात में। मैं चिकित्सक हूं, ये क्या है? एक तरीके का तादात में है। मैं ऑफिसर हूं, ये क्या है? मैं शिक्षक हूं। जो कर्म है, वो जो कर्म का जो फल है, वो फल कुछ और नहीं है, वो तादात्म्य का तमगा देता है, तादात्म्य का पदक देता है। कौन? कर्म। देखो जी, स्पष्ट हो रहा है ये चीजें? जीव ही ब्रह्मा बना, जीव ही हिरण्यगर्भ बना कल्प के आदि में। जब कल्प शुरुआत होती है सृष्टि, तो मरीचि भी बने, फिर सनक सनातन भी बने, फिर ब्रह्मा भी बने। कौन बने ये लोग? ये हम ही लोग हैं जो जीव थे, जो जीव थे, यही बनता है। रेखल अभी इतनी भूमिका आपके दिमाग में आती होगी, और ये सब किस लिए मैं समझा रहा हूँ? सिर्फ विराट भाव को समझाने के लिए, जिससे आपको, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बोल भी चुका हूँ पहले भी विराट भाव के ऊपर। अच्छा, अब नचिकेता के ऊपर आओ। क्या बोलते हैं? तू कामस्य आप्तिम। देखो जी, आप्तिम मतलब समाप्तिम। मिल रहा है सबको भाष्य? एकदम सरल ढंग से समझिए, एकदम बिना उलझे। तू अरे तुम नचिकेता। अब देखो, मूल शब्द क्या है आपके उपनिषद का? कामस्य आप्तिम। भाष्यकार ने इसको कितना सरल बताया, कामस्य आप्तिम समाप्तिम। अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः, जहां जाके सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। मतलब सभी कामनाओं का जो फल था जहां पे, क्या हो गया? समाप्त हो गया। स्पष्ट आ रहा है? एक ही शब्द का अर्थ किया, कामस्याप्तिम। वो कामनाओं का फल कहाँ समाप्त होता है? बोलते हैं हिरण्यगर्भम। क्या बोलते हैं भाष्यकार? जगतः। अच्छा, पहले तो यही देख लें, सर्वे कामाः परिसमाप्ताः, जहां जाके सभी कामनाएं क्या हो गई?
उसका कर्म का जो फल था वो क्या हो गया, आपको मिल गया, सब कामनाओं का फल आपको मिल गया। उससे बड़ा फल अब नहीं हो सकता। वो कौन है? वो हिरण्यगर्भ है, वो विराट आत्मा है, उसको सूत्रात्मा बोलते हैं। सब एक ही नाम है, सूत्रात्मा, महद्गर्भ, हिरण्यगर्भ, ये सब एक ही चीज है, ब्रह्मांड आत्मा। अच्छा, जगतः प्रतिष्ठां, जगतः, देखो हमारे यहाँ एक याद रखिएगा, जब भी जगत पैदा होता है तो जगत तीनों सत्ताओं को लेकर ही पैदा होता है, ये सावधानी रखिएगा। जगत जैसे ही जगत की सत्ता आएगी तो तीन सत्ताएं साथ में चलेंगी। फिर कौन कौन सी, देखो जगतः सा मिल रही है, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, आदेहे, प्रतिष्ठाम, आश्रयम। वाह, सावधानी से पढ़िएगा। त्रिविध सत्ता, ये जो जगत निवास करता है, बहुत सावधानी से, ये दो ही पंक्तियां हैं समझने लायक आपके। ये जो त्रिविध सत्ता जो जगत है, वो जगत कहाँ निवास करता है, इस जगत की प्रतिष्ठा क्या है, इस जगत का आश्रय क्या है? बोले पूरे जगत का जो आश्रय है, पूरे जगत की जो स्थिति है, वो किस में है? बोलते हैं हिरण्यगर्भ में है। जैसे कि पूरे वृक्ष की जो स्थिति है वो किस में है? बीज में। पूरे जगत की स्थिति किस में है? हिरण्यगर्भ। इसीलिए बोलते हिरण्य, चमकता, सोना, ज्ञान। पूरे जगत की स्थिति कहाँ है? बोलते हैं हिरण्यगर्भ में है। देखो जी, पूरे जगत का आश्रय कहाँ है? बोले हिरण्य। अब एक देखो, यहाँ जगत का आश्रय जब कहा जाता है तो जगत के आश्रय को ऐसे मत समझना। कैसे? बोले जैसे घड़े में जल, बोले एक घड़ा है और उसमें क्या रख दिया? जल। तो यहाँ पे भी कौन सा संबंध बना है? आश्रय आश्रित। बोलते हैं ऐसा संबंध नहीं है। सावधानी से, हिरण्यगर्भ का जगत से कैसे संबंध है? बोलते हैं सर्वात्मकत्वाद। ये है आत्मरूप से जगत उसमें विराजमान है। आत्मरूप से कैसे कैसे समझा जाए? जैसे कि आप में ही पूरा का पूरा स्वप्न जगत विराजमान था, तो स्वप्न जगत आप में कैसे था? आत्मरूप से था। ना कि जैसे कि घड़े में जल, ऐसा स्थूल मत लेना। एक घड़ा हो गया, एक जल हो गया, घड़े के अंदर कौन रखा हुआ है? जल। ऐसा कुछ नहीं है। भाष्यकार हेतु क्या देते हैं? सर्वात्मकत्वात्, यह जो त्रिविध जगत निवास करता है, ये किस रूप में निवास करता है? निवास करने के लिए भाष्यकार ने शब्द क्या दिया? प्रतिष्ठाम। किसकी प्रतिष्ठा? आदिदैव, अधिदैव, अधिभूत। ये जो जगत है, ये जगत की सत्ता किस रूप में निवास करती है? बोलते हैं सर्वात्मकत्वात्। सर्व की, सर्वात्मा समझते हैं, कैसे समझेंगे? जैसे कि सभी आभूषणों की आत्मा कौन है? तो स्वर्ण को क्या बोलेंगे? ना, स्वर्ण को क्या बोलेंगे? स्वर्णात्मा। ठीक है। अच्छा, जो जल है वो हर लहर में गया है, तो क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे ना, सभी लहरों की आत्मा कौन है? वो जल है। सभी मिट्टी की आत्मा कौन है? सभी घड़ों की आत्मा कौन है? मिल गया। इसी तरीके से सर्व की आत्मा कौन है? वही जो है उसको सर्वात्मा बोलते हैं, जो कि अपने कार्य से पूरी तरीके से पृथक नहीं है।
स्वर्ण आभूषण से पृथक है कि स्वर्ण आभूषण से अपृथक है, देख के देखो आप। स्वर्ण आभूषण से कैसा रिश्ता है? दोनों तरीके की बात है। जब जब आभूषण है तब तब स्वर्ण है, लेकिन जब जब स्वर्ण है तब तब आभूषण होवे ऐसा जरूरी। जब जब मिट्टी है हाँ तब तब घट होवे ऐसा जरूरी नहीं है। जब जब घट होगा तब तब ये सर्व इसी को सर्वात्मा समझिए। पकड़ आन जी, ऐसा एकदम नहीं कह सकते कार्य कारण, निमित्त कारण रूप में है कि उपादान कारण रूप में, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। लेकिन भगवान भाष्यकार ने क्या शब्द दिया? सर्वात्मकत्वात्। स्पष्ट हो गया? कैसे उस वह जो जगत है, जगत मतलब आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक सत्ता किस रूप में है हिरण्यगर्भ के पास में? बोलते हैं सर्वात्मकत्वात्। क्रतोः फलम आह, कैसे मिल गया ये? क्रतु मतलब यज्ञ, यज्ञ यज्ञ मतलब सत्कर्म। ये जो हिरण्यगर्भ है ये किसका फल मिला? इसको बोलते हैं क्रतोः फलम। क्रतोः फलम मतलब आपके किए गए पिछले पुण्य कर्मों का क्या है ये फल है। हिरण्यगर्भम पदम न अंत्यम अनंत्यम। देखो जी ये कैसा है? बोलते हैं ये अनंत है, इसका अंत नहीं है। मेरे ख्याल से पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई है। कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोहो, क्रतोहो को क्या बोला? क्रतोहो फलम हिरण्यगर्भम। क्रतो का मतलब क्या हो गया? हिरण्यगर्भम। अनंत्यम, अनंत्यम का अंत्यम का भाष्यकार ने अर्थ क्या किया दिया? भाष्यकार पढ़िए ना क्या है। हाँ, जो इसका अंत नहीं है अनंत्यम। अच्छा, फिर अभयस्य च पारम पराम निष्ठाम। ओहो, जहां भय नाम की कोई चीज है ही नहीं, भय से तो पार हो गया कौन? हिरण्यगर्भ। भय नाम, भय शून्य स्थिति है, भय नाम की चीज तो है ही नहीं वहां पे। देखो जी, स्पष्ट हो रहा है? वहां भय की शून्यता। अभयस्य च पारम पराम निष्ठाम, वो तो परानिष्ठा को उससे भी पार हो गया जहां भय नाम की किंचित भेद मात्र की चीज नहीं है। अच्छा जी, आगे चले आइए। स्तोमम, कहाँ शब्द आया? श्रुति में आया स्तोमम। स्तोमम का भाष्यकार ने अर्थ क्या किया? स्तुत्यम, स्तुत्यम। देखो जी, मिल गया इसकी। अरे इस स्तुति गानी भी होगी तो किसकी गाएगा आदमी? ये स्तुत्य है। स्तुत्य मतलब गाने लायक है ये पद, वांछनीय है ये पद, प्रार्थनीय है ये पद। स्तोमम स्तुत्यम महद अणिमा आदि। देखो ये जितनी सिद्धियां थी सब इसमें आ गई। किसमें? हिरण्यगर्भ में सब सिद्धियां। अणिमा आदि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संघतम स्तोमम। जितनी रिद्धियां सिद्धियां जितनी चीजें थी वो सब किसमें आ गई? सब हिरण्यगर्भ में आ गई। स्तोमम, स्तोमम च तन महत् च निरतिशयत्वात्। निरतिशयत् मतलब क्या हो गया? निर्गता अतिशयता, जहां से अतिशयता गायब हो जाए। निर्गता अतिशय है, नी शब्द लग गया। निर्गता, जहां अतिशय है ही नहीं उसको क्या बोलते हैं? निरतिशय। इसकी कोई सीमा नहीं, अल्टीमेट एकदम।
मिल गया भाष्य। अभयस्य च पारम पराम निष्ठाम स्तोमम स्तुत्यम महन महद अणिमा आदि। महत का भाष्यकार महत शब्द आया ना इसमें श्रुति में, स्तोमम महद, तो महत शब्द का बोलते महद मतलब अणिमा आदि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संगतम स्तोमम च तन महत च निरतिशयत्वा स्तोमम महत। अच्छा आप शब्द क्या है, उरुगायम। उरुगायम का मतलब है विस्तीर्ण गतिम। देखो जी उरुगायम का अर्थ क्या हो गया, विस्तीर्ण गतिम, इसकी जो व्यापकता है वो कैसी है, बहुत जबरदस्त है। उरुगायम विस्तीर्ण गतिम प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनः अनुत्तमाम। वाह, अनुत्तमाम, इससे उत्तम गति और कुछ हो ही नहीं सकती। देखो जी इस सर्वोत्तम स्थिति है, सर्वोत्तम गति है, इसी को क्या बोल रहे हैं, महद उरुगायम। मिल गया उरुगायम का अर्थ, विस्तीर्णम सबसे अच्छी गति। अच्छा प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मना अनुत्तमाम, और तुमने क्या किया, दृष्ट्वा, इसको देखा, किसको, ये सब हिरण्यगर्भ ये सब चीज को तुमने बड़े ध्यान से देखा और बड़े ध्यान से सुन के दृष्ट्वा देखा, धृत्वा धैर्य से सब कुछ चीजों को मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ी पंक्ति है ये, दृष्ट्वा धृत्या धीरः नचिकेता अत्यसराक्षी ही। अत्यसराक्षी मतलब नहीं चाहिए, ओवरलुक कर देना, इग्नोर कर देना। अत्यसाक्षी ही नचिकेता ने उसको कैसे देखा, बोलते हैं बहुत धैर्य से देखा। बोले धैर्य का मतलब क्या हुआ, एक टिप्पणी है, इसे अभी तक आपने ये मीनिंग कहीं नहीं पढ़ी होगी धैर्य शब्द की। देखो बहुत महीन है टिप, बहुत चश्मा क्या लेंस लगाओ तब समझ में आएगा। धैर्य, धैर्यण शब्द की देखो व्याख्या क्या देते हैं, तत्र अप्य अनित्यत्वात् अनित्यत्वादि दोष भावनाद अवष्टव्यम तेन आकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम धैर्यम तेन इत्यर्थ। इसको बोलते हैं धैर्य। देखो जी क्या है धैर्य, जरा देखो धैर्य चित्त के एक बल का नाम है। वाह क्या बल है, चित्त के बल का नाम धैर्य है। कौन सा बल, अन आकर्षण प्रयोजकम, आकर्षण के उपस्थित होने पर भी उस आकर्षण को अनाकर्षण में बदल देने का जो बल है, उस बल का नाम धैर्य है। बहुत सावधानी से सुना, कितनी सुंदर परिभाषा दी है, आकर्षण जो है उस आकर्षण को किसमें चित्त ने बदल दिया, अनाकर्षण में। ये क्या है, बोले चित्त का बल है, आकर्षण के रहने पर भी वह चित्त उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आकर्षित, बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बल है। कौन सा बल है, उस बल को धैर्य कहते हैं। देखो कितनी सुंदर परिभाषा दी, मिल गई सबको, नीचे सबसे छोटी है महीने। तत्र अपि अनित्यत्व आदि दोष भावनात अवष्टभ्यम तेन, मिल रहा है, अनाकर्षण प्रयोजकम, आकर्षण प्रयोजकम नहीं, उसने लगाने की बड़ी कोशिश की आकर्षण में, लेकिन चित्त के बल ने उस आकर्षण में वो फंसा
नहीं, ये किसके कारण? बोले ये किसके पास है? अरे पंक्ति नहीं महाराज, ये नीचे सबसे सबसे नीचे छोटी सी, उसमें छोटी चीटी जैसा छह नंबर लिखा है एकदम, वही है नीचे, मिल गया? तो धैर्य शब्द इससे अच्छी परिभाषा नहीं मिलेगी। ये देखो, अब मेरे मन में जब मैं इसको सुबह सुन रहा था, पढ़ रहा था, मेरे मन में तो ये क्या रख के इसने धैर्य धारण किया, तो उसका भी उत्तर मिला। उसने ये जो धैर्य धारण किया, ये क्या वृत्ति रख के धैर्य धारण किया, उसने ये देखा कि ये सब की सब चीजें अनित्य हैं। तो इसलिए देखो टीका कैसे लिखते हैं, अब टीका देखो, तत्र अपि अनित्यत्वम आदि दोष भावनात, मिल गया? इसने इसको रिजेक्ट करने का कारण क्या है? इस कल भी मैं कह रहा था ये चीज, दोष दर्शनात, ये ही संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोने एवते, आया? ये दुख देखता है, अनित्यत्व देखाता है कि ये भले ही हिरण्यगर्भ की कितनी भी रिद्धि सिद्धि होए, लेकिन ये सब की सब कैसी हैं? अनित्य। ये करके उसने बहुत दृष्ट्वा देखा, धैर्येण धीरह धीमान, भाष्यकार देखो कितना सुंदर लिखते हैं, धैर्येण धीरह धीमान नचिकेतोत्तर साक्षी ही परम एव, अब नचिकेतोत्तर साक्षी भी कह लें, परम एवं आकांक्षनम अति सृष्टवान, उसकी दृष्टि किस पे थी? परम पर थी। परम की दृष्टि को देखने के कारण उसने हिरण्यगर्भ जैसे पद को भी क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों? आकांक्षन, उसकी जो आकांक्षा थी, उसकी जो दृष्टि थी वो किस पे थी? परमेव। उसकी जो दृष्टि थी वो परम पर थी। परमेव आकांक्षन न सृष्टवान, और उसने इस तरह वो ध्यान, सर्वमेतत् संसार, और ये जो भी सब कुछ है ये सब कैसा है? ये तो संसार के भोग के लिए, मिल गया? ओहो हे नचिकेता बत, तुम कितने श्रेष्ठ हो। देखो क्या बोलते हैं, तुम कितने श्रेष्ठ हो, उसका क्या उदाहरण देते हैं, तुम गुणों में सबसे, देखो क्या बोलते हैं, गुणों से उत्तम गुणों से, मिल गया? अहो बद अनुत्तमम, अनुत्तमम तुम्हारी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती। और एक मैं था कि मैंने तो इसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान करके मैंने ये सिद्धि प्राप्त की, और तुम एक ऐसे अधिकारी हो जिसको मैंने उपहार में ही ये सिद्धि क्या कर दी? दे दी। और तुमने क्या कर दिया? दृष्ट्वा धृत्या धीरह नचिकेतोत्य साक्षी, तुमने उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसा शिष्य धन्य है। स्पष्ट हो गया ये मंत्र पूरा? ग्यारहवां, कोई शब्द रह गया जो नहीं समझ में आया इसमें? कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतो अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महादुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरह नचिकेतोत्यस्राक्षी। नचिकेतोत्यस्राक्षी मतलब उसने इन चीजों को देखते हुए क्या कर दिया? मना कर दिया। मुझे ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मना करने का ढंग, हाँ ये सीखने वाला है। हनुमान ते ही परसा कर कीन प्रणाम, ऐसा मना नहीं किया उनको, भाग जाओ यहाँ से, ना ना ना। कैसे किया? धृत्या, पहले तो देखा,
अरे भाई देख तो लो पहले, दृष्टवा पहले देखा, धृत्या धैर्य धारण किया, और फिर धीरे से कहता है ये मेरा इसमें मेरी तो गति ही नहीं है। क्यों नहीं है? दो तीन हेतु हैं, अब इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। एक तो उसकी जो दृष्टि है वो परम पर है, परमा आकांक्षणी। दूसरा, उसकी दृष्टि में ये सभी उपलब्धियां जो विराट भाव की उपलब्धि है ये अनित्य है। ये दो के कारण उसने इन सबको क्या कर दिया? मना कर दिया। ये दो प्रमुख वृत्तियां, अनित्यत्व एक तो वो देख रहा है, दूसरा उसकी दृष्टि कहाँ है? परम पर। तो मुझे इन सी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हे यमराज मैं इनको क्या करता हूं। लेकिन यमराज ने तो कहा इसीलिए मैं तुमको ये सब चीजें, तुम्हारे बिन मांगे ही मैं ये सब चीजें तुमको देता हूं। तो उसी के नाम से कौन सी अग्नि पड़ गई? जबकि अग्नि किसके नाम से थी? यमराज अग्नि विद्या। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया? उसका नाम ही क्या रख दिया? नचिकेत अग्नि। ये मंत्र बहुत, जैसे मुझे लगा है मेरी किताब में स्वामी जी के समय में डबल टिक है। डबल टिक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कौन सा? बारहवां मंत्र, ग्यारहवां नहीं, बारहवां जो आने वाला है। चलिए बारहवां बाद में देखें। कौन सा? ग्यारहवां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्।